बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्वाड्रापोल एट जनरल पॉइंट। ओके तो आइए देखते हैं हम इसको। यस तो देखना बच्चों इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्वाड्रापोल एट जनरल पॉइंट। ओके तो आइए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वाड्रापोल एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। ओके तो आइए देखते हैं। तो लिखना पढ़ना वही है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर कंसीडर अ पॉइंट पी एट एट एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी मतलब कहीं भी, एनी पॉइंट पी एट द जनरल पोजिशन, जनरल पोजिशन, जनरल पोजिशन एट एन, एट एन एंगल थीटा एंड एट डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल नहीं क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल। ओके तो चलिए इसका प्रॉपर फिगर हम तैयार करते हैं। तो हमने यहां क्वाड्रापोल बनाया। क्वाड्रापोल क्या होता है? दो डाइपोल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इसकी डाइपोल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। यहां माइनस क्यू है, सॉरी यहां प्लस क्यू है, तो यहां माइनस क्यू है, यहां भी माइनस क्यू है, इसका सेंटर है। ये डाइपोल की लेंथ कितनी है? डी है। मैंने बताया टू एल भी लेते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने यहां डी ले लिया। इसके सेंटर से डाइपोल्स को, ये पूरा अरेंजमेंट क्वाड्रापोल हो गया दो डाइपोल के कॉम्बिनेशन को। ये थीटा एंगल पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या कर लिया? पी लिया। और इस पॉइंट पर हमको क्या रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके तो रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक को रेडियल कंपोनेंट होता है जो पॉइंट के एक्सियल डायरेक्शन में होगा, उस पॉइंट वो आर के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक। और एक क्या होता है? एक रेडियल कंपोनेंट हो गया, दूसरा क्या? ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। क्या होगा बच्चों? दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट, जिसे हम ई थीटा कहते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहां कहीं होगा। ऐसे रिजल्ट हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अगर ये रिजल्ट मिल जाए तो काम हो जाए, ठीक है ना। अगर ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट रेडियल कंपोनेंट अगर मिल जाए तो काम हो जाए, ठीक है ना। अब चूंकि ये दोनों क्या है, 45-45 पे है, 90 पे है, 90 पे है, 45-45 पर है। तो अगर इसे पाइथागोरस थ्योरम से हम देखें इसकी रिजल्टेंट फील्ड,
तो कितनी होगा, द नेट फील्ड, नेट फील्ड एट पॉइंट पी इज ई विल बी इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर रूट लगाइए और क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर किसी तरीके से ई आर और ई थीटा मिल जाए तो काम हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, अगर किसी से ये रेडियल कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट मिल जाए तो काम हो जाए। ठीक बच्चों, तो आइए हम एक एक चीज निकालते हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा पोटेंशियल है एट जनरल पॉइंट ड्यू टू क्वाड्रापोल क्या होता है, क्वाड्रापोल क्या होता है बच्चों, अभी आपने निकाला क्यू डी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos² θ-1, यही तो निकाला, यही निकाले ना आप लोग, तो ये जानते रहे इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिख दिया। तो अब देखना, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज कितना होता, आपको ये याद रखना होगा, माइनस डीवी बाई कितना हो जाएगा, डीआर होता है। यानी द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज द रेडियल कंपोनेंट। जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर जो फील्ड होती है उसी को रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक, तो अब देखना, तो ई आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी आर, और वी की वैल्यू हमें पता चली, क्यू डी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब 3 cos² θ-1। ओके, और यहां पर हम करेंगे क्या, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इसका, देखो ये आर के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, जब आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या करेगा, -4 और क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर से आर पावर हो जाएगा नीचे। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, अगर इजाजत हो तो आप लोगों की, माइनस माइनस प्लस 3 QD² / 4π ε₀ r⁴ ब्रैकेट में 3 cos² θ-1। ऑब्वियसली लिख सकता हूं इसे मैं बेटा, सब कुछ कांस्टेंट है, बस 1 / r³ के रिस्पेक्ट में करना है बस डिफरेंशिएशन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, एक ये हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में होगा ना। चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक ना, आगे देखते हैं। द ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखिए द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात करें, द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट को ई थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 / r डीवी बाई डी थीटा, ये होता है, आपको याद रखना होगा ये। चलिए 1 / r हो जाएगा, डी बाई डी थीटा, वी की वैल्यू अभी मैंने बताया कितना होता, क्यू डी स्क्वायर बाई 4π ε₀ r³ और
मैं इससे ब्रैकेट ये वाला लगा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी आर क्यूब कितना हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब क्या करूंगा, वन बाई आर इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। अब वन बाई आर बाहर है थीटा के रिस्पेक्ट में, अब ये कॉस को डिफ्रेंशिएट करना होगा हमें, बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं इसके लिए, माइनस क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर फोर, ये बाहर कर लिया, बचा क्या डी बाई डी थीटा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको मैं इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। तो माइनस क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर पावर फोर, अगर इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूं कितना हो जाएगा, सिक्स कॉस थीटा और इसका जीरो हो जाएगा सिक्स कॉस थीटा, बट ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसका फिर करूंगा माइनस साइन थीटा। समझ गए आप लोग? तो इसे मैं प्रॉपरली लिखूं अगर तो ई थीटा विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर पावर फोर और कितना हो जाएगा सिक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, ये इतना लिख दिया, ये हमारा ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गया। अच्छा अब फ्रॉम वन, फ्रॉम वन तो ई विल बी इक्वल टू, मैंने ये लिखा नेट फील्ड ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं। बोलो ई आर कितना आया था, थ्री क्यू डी स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर फोर थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इतना आया था, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर है क्योंकि यहां स्क्वायर लगा है, प्लस इसकी वैल्यू लिखूंगा क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर पावर फोर, आर पावर फोर कितना हो जाएगा, अच्छा एक काम करता हूं थ्री यहां लिख देता हूं, इसकी वैल्यू यहां टू ही लिखता हूं, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखो ये पूरा टर्म कॉमन है, कॉमन है ना, और ये स्क्वायर भी है, दोनों में स्क्वायर भी, ये कॉमन लूंगा पूरा स्क्वायर भी है और रूट भी है, स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो बाहर केवल इतना ही आएगा, थ्री क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर पावर फोर, ये बात समझ में आ रही क्या आप लोगों को, यहां क्या बचा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतनी चीज हो गई। यहां आइए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ई विल बी इक्वल टू थ्री क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन इंटू आर पावर फोर, तो अब देखना यहां क्या है थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसे खोल दिया कोई दिक्कत, e will be equal to 3q d square by 4 pi epsilon 0 r power 4, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया बच्चों देखो 3 cos square theta minus 1 का square लिखा plus 4 cos theta, इसे मैंने क्या लिख दिया 1 minus कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। ठीक, अब क्या करूंगा
थ्री क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर पावर फोर, इसको मल्टीप्लाई करो थ्री का, इसे सॉल्व कर डालो। इसे अगर मैं खोलू होल स्क्वायर खोलू क्या हो जाएगा, नाइन कास पावर फोर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना हो जाएगा, ऐसे माइनस माइनस सिक्स कास स्क्वायर थीटा, और इसे भी खोल देता हूं, ये पहले ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, इसे भी खोल देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं, फोर कास स्क्वायर थीटा माइनस फोर कास स्क्वायर थीटा कॉस के पावर फोर थीटा सर। हाँ इतना ना, अच्छा अब बताइए इतने में इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, थ्री क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर पावर फोर, इतने में सब्ट्रैक्ट करूं कितना आएगा, फाइव कास पावर फोर इंटू थीटा माइनस, इतने में इतने को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये केवल वन बचेगा, इतना है। तो यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा क्या बच्चों रिजल्ट है, ये देखो एट एनी पॉइंट में यही हमारा क्या है रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट। समझिए मेरी बात, हाँ यही हमारा रिजल्ट है। तो एक बार और लिख देता हूं, ई विल बी इक्वल टू कितना आया, थ्री क्यू डी स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर फोर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फाइव पावर फोर थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन का पावर कितना हाफ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया। अब चलिए हम लोग स्पेशल केस करते हैं, तो देखिए यहां पर केस करता हूं, केस फर्स्ट क्या होगा बेटा, एक मिनट, केस फर्स्ट देखिए, व्हेन थीटा कितना रख दिया जाए, जीरो रख दिया जाए, मतलब एक्सियल में, एट एक्सियल, तो कितना हो जाएगा, रख लो यहां पर E will be equal to 3 क्यू डी स्क्वायर बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 4, 5 कास 0 पावर 4 माइनस 2 कास स्क्वायर 0 प्लस 1 का हाफ, इसकी वैल्यू 1 होती, इसकी भी वैल्यू 1 होती, 5 में से 2 गया यानी 6 में 2 गया तो कितना आएगा 4 आएगा क्या ना, रूट में 4 आएगा, यानी E will be equal to 3 क्यू डी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर 4 इंटू रूट में 4 बचेगा, इस रूट में 4 का मतलब क्या है, E will be equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 3 इंटू 2 क्यू डी स्क्वायर बाई आर पावर 4, और यही क्या होता है Q होता है, ऐसा भी लिख दो या तो सिक्स लिख दो ठीक, और या तो E will be equal to कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिक्स क्यू डी बाई कितना आर पावर फोर, ये हमारा फील्ड हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना, केस सेकंड देख लेता हूं, केस सेकंड व्हेन थीटा कितना हो जाएगा, When theta 90 हो जाए, जब theta 90 हो जाएगा तो E will be equal to 3q t square by 4 pi epsilon not r power 4, सभी के सभी 5 cos power 4 theta
माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये सब के जीरो हो जाएंगे, केवल यही बचेगा 3qd स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r पावर 4 बचेगा, इक्वेटोरियल में हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक ये भी आपको समझ आया होगा, नहीं के बच्चों?